महाराष्ट्र में सत्ता बदलते ही पुरानी सरकार के फैसले बदलने भी शुरू हो चुके हैं। पहला बदलाव कैबिनेट की पहली बैठक में ही हो गया, जब सरकार ने उद्धव ठाकरे सरकार के मेट्रो 3 कारशेड को आरए से कंजर मार्ग शिफ्ट करने का फैसला बदल दिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य शहरी विकास विभाग को इस बारे में निर्देश दिए हैं। इस मामले में शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पलटवार किया। उद्धव ने यह भी कहा कि फैसला पलटने से उन्हें बेहद दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि शिंदे सरकार को मुंबई के पर्यावरण से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, सरकार को ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिससे भविष्य में मुंबई के लोगों को परेशानी हो। आपको मुझसे जो नाराजगी है उसका गुस्सा मुंबई के लोगों पर मत उतारिए। आपको बता दें कि जब 2019 में उद्धव जी मुख्यमंत्री बने थे तो आर्य कॉलोनी में मेट्रो 3 का कारशेड बनाने के प्रस्ताव पर रोक लगाने का ऐलान किया था, लेकिन एक बार फिर से सरकार बदलते ही तेवर और नियम बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई के आरओ में मेट्रो कारशेड बनाने पर 2014 से ही विवाद चला आ रहा है। कारशेड को आरए से कंजर मार्ग शिफ्ट करने का मामला भाजपा और शिवसेना के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण है। ये मामला लगभग 8 सालों से चला आ रहा है और एक बार फिर से लोग जब ये मुद्दा उजागर हुआ, जब इसके विरोध में फैसले आए तो लोग फिर से सड़कों पर उतर आए आंदोलन करने के लिए। आरओ को बचाने के लिए अपने घर से निकलकर आरए कॉलोनी में पहुंचकर लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। जब हमारे संवाददाता धनुषधारी यादव ने उनसे बात की तो उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि हम लोग विकास चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आरए कॉलोनी को काटा जाए, आरए के जंगलों को काटा जाए, यह हम नहीं चाहते। हम पर्यावरण के साथ हैं लेकिन हम विकास के खिलाफ नहीं हैं। लोग तो आए पर्यावरण प्रेमी है, लेकिन हम लोग यहाँ के निवासी है, आदिवासी लोग है, तो हमारा एक अलग सा नाता है इस जंगल के साथ, इस पेड़ों के साथ, इस पंछियों के साथ, यहाँ पे लेपड़े उनके साथ है। वाघ देवा बोलते हैं, मेरा गाना भी है वाघ देवा जंगल वासव है तू धावर। तो बाकी लोग है पर्यावरण प्रेमी खाली है और उनका प्रेम बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन हमारा तो नाता ही उनके साथ में, हम लोग नहीं पीछे हट सकते। मछली पानी के बगैर नहीं रह सकते, हम लोग जंगलों के बगैर नहीं रह सकते। और हम लोग यहाँ के मूल निवासी, आरे 1949 में आई, उससे पहले से हम लोग हैं, तो ये जंगल को बचाना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, हमारी पहचान चली जाएगी, हमारा कल्चर यहाँ से है। हम इस सृष्टि को भगवान मानते हैं, हम उनको जौहर बोलते हैं। जौहर का मतलब ये होता है कि सृष्टि की जय, सृष्टि को हम लोग जय बोलते हैं जिसने हमें जीना सिखाया। और ये तो ऑक्सीजन है, देने वाली चीज़ है जो हमें जिंदा रखती है। अगर जो जिंदा रखते हैं उसकी मरने की बारी आती है और हम लोग वहाँ पे जाए नहीं तो हम लोग गद्दार हो जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं और हमारा मेट्रो कार से विरोध नहीं है, बिल्कुल विरोध नहीं। विकास होना चाहिए, मेट्रो कार से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे उनको जगह दी वहाँ पे होनी चाहिए। हम लोग मेट्रो कार के विरोध में नहीं है, हम लोग पर्यावरण के साथ में है, बस इतना मेरा कहना। आंदोलन कर रही एक महिला मंडली ने तो आरे को बचाने के लिए एक गीत तक लिख दिया। इसके लिए हम लोगों ने एक गाना तैयार किया है, बिबट्याच्या भेटीला विठोबा आला, बिबट्याच्या भेटीला विठोबा आला, आरे मध्ये कारशेड नको म्हणाला, आरे मध्ये कारशेड नको म्हणाला, एकनाथा सांगे कांजूरमार्ग बद्दल, जय एकनाथा सांगे कांजूरमार्ग बद्दल, जय हरी विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल, जय विठ्ठल विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल, जय हरी विठ्ठल। अरे बचाओ मुंबई, बचाओ देश, बचाओ। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।